डियर स्टूडेंट, हमारा नया टॉपिक है क्लोज सेट्स का। क्या होते हैं, किसी भी मेट्रिक स्पेस में कोई सबसेट क्लोज कब होता है, ये एक तो कंट्रारीली आप इसको देख सकते हैं टू द डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट, जिसमें हमने ये देखा था कि एवरी ओपन स्फीयर एट एनी पॉइंट ऑफ ए सेट, अगर वो सेट में इटसेल्फ कंटेन करे तो हम कहते हैं वो ओपन है। क्लोज सेट क्या होते हैं ये हमने देखना है। फॉर एग्जाम्पल से आपके पास ये एक मेट्रिक स्पेस है, हमने लास्ट टाइम इस डेफिनेशन पढ़ी थी जी, फॉर एनी सबसेट से ए। क्या होता है जी, हमने डिस्कस किया था एक लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट के, एक्स एक लिमिट पॉइंट होता है किसी भी सेट का इफ एवरी ओपन स्फीयर। एवरी ओपन स्फीयर क्या हो जी, वो विल कंटेन इनफिनाइट मैनी पॉइंट ऑफ ए, या लीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए अदर देन दिस एक्स, इनफिनाइट मैनी पॉइंट। हमने ये थ्योरम भी प्रूव किया था। तो देखें जी, आप तो ये आप कहते हैं एक्स क्या है, वो उसका लिमिट पॉइंट है। तो ए क्लोज कब क्या कब होगा, ये अब हमारे पास इश्यू है। अगर ये सब इसके क्या है जी, ये लिमिट पॉइंट्स हैं किसी सेट ए के, अगर ये सब के सब पॉइंट ए को कंटेन करें, मींस के ए में ही लाई करें, तो देन आप कहते हैं जी के ए क्या है, क्लोज है। मींस के एवरी पॉइंट, एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट इज ऑल्सो कंटेन इन सेट इटसेल्फ, तो देन आप कहेंगे जी के वो सेट क्लोज है। तो देखें जी, अभी इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। क्या है जी, इस नॉन एम्प्टी सबसेट, ए सबसेट क्या है जी, ए नॉन एम्प्टी सबसेट से आप कहते हैं ऑफ ए मेट्रिक स्पेस सेट टू बी क्लोज इफ इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, इफ इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स। देखें जी, ये इसकी डेफिनेशन है कि अगर कोई भी सेट अपने हर लिमिट पॉइंट को कंटेन करे, मीन के वो उसी में लाई करे, तो आप कहते हैं कि ये क्या है जी, उसका वो सेट क्लोज होगा। आप देखें जी, फॉर एग्जाम्पल्स हमने कुछ देखी थी। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस की कि ये सीक्वेंस है 1/n, n फ्रॉम 1 to infinity। तो हमने देखा था जी कि यहाँ पर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n ये अप्रोच करता है जी 1/∞, मीन्स के 0 को अप्रोच करता है। तो 0 क्या था जी यहाँ पर, ये क्या था, 0 इज ए लिमिट पॉइंट। हाँ जी, लिमिट पॉइंट है किसका जी, के 1/n इस सीक्वेंस का, के n फ्रॉम 1 to infinity। और फर्दर ये है जी के n जो सा था वो हमने देखा था कि वो नेचुरल नंबर का सेट है। तो यहाँ पर देखें जी के हेयर आपने क्या डिस्कस किया था कि 0 does not belong to this set, के जी 0 इसको बिलोंग नहीं करता। तो इट मीन्स के ये सेट इसका लिमिट पॉइंट 0 था, लेकिन 0 इसको बिलोंग नहीं करता था, ये हमने प्रूव किया था। तो दिस इम्प्लाइज डैट आप कहेंगे जी ये जो सीक्वेंस है इज नॉट क्लोज, ये क्लोज नहीं है। ओके जी, ये हमने एक डेफिनेशन देखी थी इसकी, एक इसकी एग्जाम्पल देखी। सेकेंड, अब रियल लाइन के ऊपर देखते हैं जी। रियल लाइन में हमने देखा ये ओपन इंटरवल थे। एग्जाम्पल आपने कहा जी ये ओपन इंटरवल है 0 और ये 1 जी। तो देखें 0 1 ओपन क्लोज इंटरवल है, तो हेयर क्या है जी, 0 इज इट्स लिमिट पॉइंट। ये हमने डिस्कस किया था कि 0 के ऊपर अगर आप किसी भी साइज का अगर ओपन स्फीयर ड्रॉ करेंगे, किसी भी साइज का ओपन स्फीयर ड्रॉ करेंगे 0 के ऊपर, तो वो विल कंटेन इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स ऑफ दिस इंटरवल, इसके इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स इसमें लाई करेंगे किसी भी ओपन इंटरवल में। तो देखें यहाँ पर, लेकिन वो 0 इसको कंटेन नहीं कर रहा, और मीन्स के वो 0 उसका लिमिट पॉइंट है, लेकिन वो इस इंटरवल को कंटेन नहीं कर रहा। तो दिस इम्प्लाइज डैट आप यहां से कह सकते हैं जी, दिस इम्प्लाइज डैट इज 0 के जी, जी द लिमिट पॉइंट इज इट्स लिमिट पॉइंट, बट हाँ जी 0 does not belongs to 1, तो जी सो इट इज नॉट क्लोज। ठीक है, हमने एलिमेंट्री क्लासेस में इसको कुछ ने इस तरह पढ़ा था कि कौन सा इंटरवल कब क्लोज होता है, जब आप कहते हैं जी उसमें एक एंड पॉइंट उसमें इंक्लूड ना हो, तो आप कहते हैं जी कि वो ओपन है या सेमी ओपन है, मीन्स के अगर वो एंड पॉइंट उसमें इंक्लूड ना हो, तो आप कहते हैं कि वो क्लो ओपन होता है, मीन्स के वो क्लोज नहीं होता, कि उसके एंड पॉइंट उसमें इंक्लूड नहीं कर रहा, लेकिन वो एंड। अब यहाँ पर हम इसको मोर कंक्रीट वे में डिस्कस कर रहे हैं कि कब एक एनी इंटरवल ऑन ए रियल लाइन वो क्लोज नहीं होता, अब नहीं होता जब उसके लिमिट पॉइंट उसको कंटेन नहीं कर रहे हो, तो इस सेंस में आपने इसको लिखना है। इसी तरह अब आप देख सकते हैं कि अगर ये आपके पास क्लोज इंटरवल है, ये आप कहते हैं 0 1, देखें जी 0 एंड 1 आर इट्स लिमिट पॉइंट्स, लिमिट पॉइंट हैं,
एस्टीमेट पॉइंट्स हैं और अपर और लोअर बाउंड है। आप देख सकते हैं इसके लिमिट पॉइंट हैं और सारे इसके लिमिट पॉइंट इसी को कंटेन कर रहे हैं, 0 1 इंटरवल क्लोज के। तो ये सब लिमिट पॉइंट इसको कंटेन कर रहे हैं, मीन किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप ओपन स्फीयर, इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर ओपन स्फीयर ड्रॉ करेंगे तो वो उसी को कंटेन करेगा। किसी भी पॉइंट पर लिमिट पॉइंट अगर आप, ओ सॉरी, किसी पॉइंट पर भी आप ओपन स्फीयर ड्रॉ करेंगे इस क्लोज इंटरवल के, तो वो इसके इनफिनाइट मैनी पॉइंट्स को कंटेन करेगा। तो ये क्या है जी, ये क्लोज है, मीन्स कि ये अपने लिमिट, हर लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है। यहाँ पर इसके सिर्फ ये एक जीरो लिमिट पॉइंट है जिसको वो कंटेन नहीं कर रहा, बाकी सब लिमिट पॉइंट्स को वो ये कंटेन करता है, लेकिन जीरो एक ऐसा लिमिट पॉइंट है जिसको कंटेन नहीं कर रहा, इसलिए ये क्लोज नहीं है। यहाँ पर हर लिमिट पॉइंट उसी को कंटेन कर रहा है, तो देयर फॉर आप यहाँ से क्या कहेंगे जी, इम्प्लाइज डेट जी के 0 1 इज क्लोज, हर लिमिट पॉइंट इसको कंटेन कर रहा है एंड एवरी लिमिट पॉइंट इज एंड इन 0 1, ये क्लोज है जी। इसी तरह आप देख सकते हैं, इसको आगे फर्दर देखते हैं। फॉर एग्जांपल ने किसी भी मीट्रिक स्पेस में पढ़ा था जी, ए आई एंड एक्स फुल स्पेस और एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट क्या होता है जी, ये फाइनाइट होता है, और हैविंग नो लिमिट पॉइंट, इसको इस तरह भी कह सकते हैं जी कि इसके अंदर जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल अब हम डिस्कस करते हैं। इसमें एग्जाम्पल आपने पढ़ा था जी, रियल नंबर्स ये क्या होते हैं जी, यून ऑफ रैशनल और इरेशनल होते हैं, रैशनल इरेशनल होते हैं। तो रैशनल के लिए हमने क्या पढ़ा था, रैशनल का ड्राइव सेट क्या होता है जी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इतना रैशनल का क्या होता है, ऑफ ऑल रियल नंबर्स। देखें रैशनल का जो ड्राइव सेट है और इरेशनल का ड्राइव सेट है, इसमें मीन्स के रैशनल के ड्राइव सेट में रैशनल भी आ जाते हैं, इसमें देखें रैशनल भी आ जाएंगे, मीन्स के अब ये इरेशनल तो इसको बिलोंग नहीं करेंगे। इसी तरह इरेशनल के ड्राइव सेट में रैशनल भी आ जाएंगे, इरेशनल तो होंगे ही, तो मीन्स के रैशनल के ड्राइव सेट में यानी कि उसके लिमिट पॉइंट्स रैशनल भी हो सकते हैं और रैशनल के पॉइंट्स इरेशनल भी हो सकते हैं। तो मीन्स के ड्राइव सेट ऑफ रैशनल में रैशनल भी आ गए, तो अपने वो हर पॉइंट को कंटेन, अपने हर पॉइंट को कंटेन नहीं करता, ठीक है ना। अगर आप कह सकते हैं कि जैसे आप कह सकते हैं कि बिलोंग्स टू सी, देन इज ए पॉइंट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ, वो क्यू का भी लिमिट पॉइंट होगा, तो सिंप्लाइज डेट एंड कह सकते हैं जी एंड डज नॉट बिलोंग्स टू, या लिमिट पॉइंट तो होगा लेकिन ये इसको बिलोंग नहीं करता, तो दिस इम्प्लाइज डैट के टू नॉट क्लोज नहीं है जी इन आर, यही चीज है जी। इसको हमने है इसी तरह क्यू सी भी नहीं है, सी भी वो क्लोज नहीं है इन आर, क्योंकि अगर कोई पॉइंट रैशनल का है तो वो इरेशनल का लिमिट पॉइंट होगा लेकिन वो उसको कंटेन नहीं कर रहा होता, तो इसका क्या होगा, ये भी पॉइंट नहीं होगा, तो ये भी क्लोज नहीं होगा। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स थी जी किया, अब हम फर्दर इसकी कुछ थ्योरी और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में।